Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So first of all, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सॉरी है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ एंड आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी न्यूज़पेपर डाल दूँ और इवन एनालिसिस दे देने की मेरी भी जो कोशिश रहती है वो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट टुडे इज़ द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस. द फर्स्ट थिंग इज़ द फर्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया चाइना एग्री टू ईज स्टैंड ऑफ. आपको बता दूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो इशू काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, पिछले फिफ्थ मई से सिक्स मई से जो स्टार्ट हुआ है जो इशू, अब दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो जो फोर्सेस हैं और इवन जो दोनों ट्रूप्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो आपस में इस बात को लेकर पार्शियली एग्री हो गए हैं कि हम जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसे छोड़ देंगे. मतलब जो ट्रूप्स चाइना की है वो भी अपने एरिया पे वापस चली जाएगी और इंडिया की ट्रूप्स भी वापस अपने एरिया में आ जाएगी. ठीक है, तो ये जो है कंडीशन, वापस हमारी ये कोशिश थी कि फिफ्थ मई की कंडीशन फिर से आ जाए, क्योंकि सिक्स मई से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, उससे जस्ट पहले फिफ्थ मई को सब कुछ नॉर्मल था. तो उस तरह की जो कंडीशंस है उसे नॉर्मल से, उस तरह की कंडीशंस को अगेन रिक्रिएट करने के लिए जो है ये अपील की जा रही थी. इवन काफ़ी जो है वार्तालाप दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऑलरेडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और जो ट्रूप्स के बीच में ऑलरेडी चल रही थी, उसके चलते दोनों कंट्रीज़ ने फाइनली जो है मुक्त करने का, उस पर्टिकुलर एरिया को डिसएंगेजमेंट का जो पॉइंट है LAC का, उसे मुक्त करने का जो है डिसीज़न ले चुके हैं. ठीक है, सो दोनों जो कंट्रीज़ है वो अपने अपने एरिया में वापस आ जाएंगी. और ऑल द वे अगर हम बात करें तो कुछ फ्रेश डेवलपमेंट्स जो है या फ्यूचर में कुछ ऐसे एक्शंस, कोर्स ऑफ एक्शंस देखने को मिलेंगे इंडिया और चाइना के थ्रू. ओके, अल्टीमेटली अभी तक कोई डिसीज़न जो है नाकुला जो है सिक्किम का एरिया उसको लेकर कोई डिसीज़न अभी तक लिया नहीं गया है, बट स्टिल वी आर थिंकिंग दैट एटलीस्ट डिस्प्यूट जो है वो उसे एट प्रेजेंट हमने ख़त्म कर दिया है. अब आने वाले टाइम में इसे लेकर अगेन री डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं या जो हम कह सकते हैं फिर से कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो उससे रिलेटेड डिस्कशन आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा. ठीक है, लद्दाख से रिलेटेड, ईस्टर्न लद्दाख से रिलेटेड ये एरिया था और इसको रिजॉल्व करते हुए दोनों आर्मीज़ ने अपने आप को पीछे कर दिया है. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ माइग्रेंट्स शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि माइग्रेंट्स किसी भी लेवल पे जो है किसी चीज़ का भुगतान नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट जो है आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर आप घर भेजेंगे. ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेट गवर्नमेंट्स को कहना है, उनका ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ट्यूजडे को ये स्टेटमेंट दिया है कि माइग्रेंट वर्कर्स शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड वॉर ट्राइंग टू रीच होम एमिड द नेशनल लॉकडाउन. अ बेंच लेड बाय जस्टिस, ये जो बेंच है ये जस्टिस अशोक भूषण द्वारा लीड की गई थी और सेंट्रल स्टेट्स के जो कंप्लेंट्स थी, जो कंप्लेंट्स लॉन्च की गई थी माइग्रेंट लेबरर्स के अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उनके अगेंस्ट कोई भी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान और पेंडेमिक में मैक्सिमम लेवल पे जो सफ़र किया है वो माइग्रेंट्स ने किया है, तो इस कंडीशन को देखते हुए, इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट माइग्रेंट्स. ओके, और 15 डेज में उन्हें अपने अपने घर अपने एरियाज़ में भेज दिया जाए. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ सिटी लाइकली टू सी 5.5 लाख कोविड केसेज बाई जुलाई एंड, से सिसोदिया. हेल्थ मिनिस्टर सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली जो है उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि आने वाले टाइम में जुलाई एंड तक 5.5 लाख केसेज होने की पूरी संभावना बनती है. मैं आपको बता देती हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का ये स्टेटमेंट ट्यूसडे को आया है और एक मीटिंग जो है DDMA दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जो है उसे लीड किया था, उसे चेयर्ड किया था. और उसके बाद से ये बात सामने आई है कि जुलाई एंड तक जाता थे, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जुलाई एंड तक जाते जाते करीब 5.5 लाख केसेस तक दिल्ली में होने की संभावना है. और इसी बीच में बेड्स या हॉस्पिटल का जो डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिल्ली के अंदर जो है हॉस्पिटल्स में और जो बेड्स अवेलेबिलिटी या हम कह सकते हैं फैसिलिटी अवेलेबिलिटी ना होने के कारण वहाँ पे सिर्फ डेली राइट्स को ही
जो है एडमिट किया जाएगा या उनके लिए ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जबकि ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल और इवन और भी कई सारी मेजर अथॉरिटीज़ का, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कहना है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स किसी भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं आने चाहिए, क्योंकि डेली राइट्स के अलावा जो अन्य लोग वहाँ रह रहे हैं उनका भी पूर्ण अधिकार है, हेल्थ राइट टू हेल्थ जो है वो उनका पूरा अधिकार बनता है, उसके चलते जो है दिल्ली गवर्नमेंट ये डिसीज़न नहीं इम्पोज कर सकती है। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज सोशल वैक्सीन इज़ नीड ऑफ द आर। हर्षवर्धन जी का ये कहना है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन, उन्होंने ट्यूसडे को ये स्टेटमेंट दिया है कि और भी बेटर पोजीशंस लाई जा सकती है, पूरे वर्ल्ड की जो कंडीशन है, जो वर्ल्ड पूरा फाइट कर रहा है COVID-19 के अगेंस्ट, तो उसको देखते हुए इंडिया जो है उसके अंदर 8,827 केसेज एक दिन में और 246 फैटलिटीज़ देखने को मिली है, उसके चलते हमें सोशल वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि COVID-19 की वैक्सीन। COVID-19 के वैक्सीन की तो हम सर्च कर ही रहे हैं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन का मतलब यहाँ पे हाइजीन से रिलेटेड है, हैंड वॉश या सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे जो फिनोमिनाज क्रिएट किए गए हैं, गाइडलाइंस क्रिएट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, WHO द्वारा, तो उन सारे सोशल वैक्सीन्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, ना कि वैक्सीन्स को सर्च करने की, बिकॉज वैक्सीन्स को फाइंड आउट करने का कार्य तो ऑलरेडी जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वो कर रहा है, लेकिन अब नीड है सोशल वैक्सीन को वर्कआउट करने की, बिकॉज यदि आप अपने आप को सोशल जो है गैदरिंग से अलग रखते हैं, हाइजीन को फॉलो करते हैं, इवन हैंड वॉश एंड अदर प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, तो उसको देखते हुए यू विल नॉट बी इन द एरिया ऑफ COVID-19, सो ऑटोमेटिकली आप जो है उससे बच जाएंगे, तो आपको वैक्सीन की नीड नहीं होती है ना। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है हेल्थ मिनिस्टर द्वारा दिया गया है, और जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन ओपन हो चुका है, अनलॉक वन का फेज स्टार्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में ऑलरेडी काफ़ी ऐसी जगह देखने को मिल रही है जहाँ पे जो है सोशल गैदरिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स या मास्क वेयरिंग एंड ऑल सभी को बिल्कुल जो है ज़ीरो लेवल पर ले जाकर बाकी सारी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आपस में जो है मेल मिलाप लगा रहा है लोगों का, उसको देखते हुए कंटिन्यू केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। सो अब लोगों की ज़रूरत है कि ऑलरेडी जो 2.5 मंथ जो हमने स्पेंड किए हैं इस COVID-19 से बचने के लिए, उनको सफल करने की, ना कि उनको जो है वेस्ट करके एक नया क्राइटेरिया क्रिएट करने की और इंडिया को टॉप फर्स्ट पर ले जाने की, है ना। द फर्स्ट एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ट्विटर टू टेस्ट स्नैपियर फ्लीट्स इन इंडिया। देखिए बेसिकली हुआ ये है कि जैसा कि हम सभी देखते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप जो भी यूज़र्स है, ऑलमोस्ट सभी यूज़र्स हैं इंडिया में, काफ़ी बड़ी जनसंख्या में लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय ट्विटर के। ट्विटर पे लोग जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो पोस्ट है वो पब्लिकली हो जाती है ना, काफ़ी पब्लिक हो जाती है, उसको जो है हाइड करने का कोई ऑप्शन नहीं है या उसको जो है रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। उसको देखते हुए ट्विटर ने एक नया जो है स्नैपियर टेस्ट लॉन्च किया है, दैट इज़ फ्लीट्स। उसके तहत 24 घंटे जो है वो चीज़ रहेगी जो आप अपलोड करेंगे, आफ्टर 24 आवर्स वो ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगी और आप उसे री जो है ट्वीट या अदर ऑप्शंस के थ्रू वापस भी नहीं पोस्ट कर सकते, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली ट्विटर उसे अपने हैंडल्स, आपके हैंडल से 24 आवर्स में रिमूव कर देगा, समझ में आ रहा है। तो ये रीट्वीट का या अदर जो ऑप्शंस है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, जिससे कि परमानेंटली आपकी पोस्ट वहाँ अवेलेबल नहीं होगी। इट विल बी लाइक फेसबुक स्टेटस और व्हाट्सएप, फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो इट विल बी कॉल्ड एज फ्लीट्स एंड ट्विटर इज गोइंग टू लॉन्च इट इन इंडिया, ओके। So the next news is cross party begging in Nepal for new map. जो रिसेंटली द लोअर हाउस ऑफ नेपाल्स पार्लियामेंट ऑन ट्यूजडे एक्सप्रेस क्रॉस पार्टी सपोर्ट फॉर द न्यू मैप विच शोज द डिस्प्यूटेड कालापानी रीजन एज पार्ट ऑफ नेपालीज सोवरेन टेरिटरीज, ओके। ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द सेकेंड Constitution Amendment Bill, which will grant legal status to the updated map, okay, and the this decision was undermined by the this was said by the Nepal's Foreign Minister Pradeep Kumar Gyawali, and he said that India has undermined Nepal's sovereignty by building the Lipulekh Link Road in the area.
Okay, so let's see what will be the, it is all about Sugauli Sandhi. According to Sugauli Sandhi, the region of Limpi Adhura, or we can say Lipu Lake and Kalapani, are the part of Nepal's sovereign territory. And according to this, that particular Sugauli treaty, India can't overtake these particular areas. Okay, so it is all about it, and it was the decision. It was, I can say, the debate in the about the amendment in lower house of Nepal. So it was all about it. Okay, the next news is. What it is important, yeah, here it is, the curious case of Anamika Shukla. Basically what happened, she is a teacher listed at 9 schools in several districts of UP. अब देखिए हुआ क्या है कि अनामिका शुक्ला काफ़ी न्यूज़ में है. उनका ये कहना है कि 9 स्कूल्स के अंदर जो है मेरा नाम जारी किया गया, मेरे नाम पे जो है वहाँ पे रिकॉर्ड जारी किए गए हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, आई एम नॉट अ टीचर एट ऑल इन ऑल दी स्कूल्स एंड दे आर यूजिंग माई डेटा, माई रिकॉर्ड्स और माई एजुकेशन प्रोफाइल. बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है उनका कब आया है और हिस्ट्री क्या है उसके बारे में डिस्कस करती हूँ मैं थोड़ा सा. अनामिका शुक्ला इज़ अ लेडी जो कि अभी पाई गई रिसेंटली कि वो करीब 1 लाख से ज़्यादा मंथली सैलरी जो है वो इस तरीके से कलेक्ट कर रही है कि वो काफ़ी सारे स्कूल्स में अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस पर जो है वर्क कर रही है. तो एक साथ में इतने सारे स्कूल्स में प्रैक्टिकली जॉब करना इज़ नॉट पॉसिबल. सो ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा दैट दीज अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि ये सब फेक जो है वर्क चल रहा है, फेक वर्क जो है यहाँ पे ऑलरेडी कंटिन्यूटी में है. उनकी डिग्रीज़ को, अनामिका शुक्ला की डिग्रीज़ को यूज़ लिया जा रहा है और उसके बदले वो पेमेंट ले रही है, ऐसा जो है अथॉरिटीज़ का या जो है एविडेंसेस का कहना है. जबकि अनामिका शुक्ला ने इसी केस के ऊपर, इसी मुद्दे पर जो है अपना स्टेटमेंट ये दिया है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं ऐसी सैलरीज उठा रही हूँ. बेसिकली ये जो सारा वर्क है ये स्कूल्स खुद कर रही है मेरे नाम पर, मतलब मेरी डिग्रीज और मेरी एजुकेशनल उसके बेसिस पर मिसयूज़ करते हुए फेक जो है टीचर्स को अपॉइंट कर रखा है कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल्स के अंदर. ये एक पूरी चेन है कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल जो कि यूपी में चलती है और उसके तहत इन सारी स्कूल्स के अंदर जो है इसका 9 स्कूल्स के अंदर अनामिका शुक्ला का जो है डिटेल्स टीचिंग प्रोफाइल शो हो रहा है ना. सो अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू दी न्यूज़ कि ये अभी तक न्यूज़ में देखा जा रहा था कि यूपी की गवर्नमेंट जो है या ये जो स्कूल्स हैं उनमें इन्होंने जो है फेक वर्क चल रहा है इनसे रिलेटेड, अनामिका शुक्ला से रिलेटेड, और ये इन सब के लिए, इन सब के एवज में अपनी डिग्रीज को यूज करते हुए उसके ऊपर पैसे उठा रही हैं वहाँ से, है ना. करीब 1 करोड़ रुपीज़ जो है उनकी सैलरी है ऐसा बताया जा रहा है. लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो मेरी जो डिग्रीज है उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर ये जो फेक टीचर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं. सो अभी इस पे जांच चल रही है, देखना आगे ये है कि पुलिस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि बेसिकली है क्या, ऑफ टॉपिक क्या है और असलियत क्या है, ये सारी चीज़ें बाद में पता चलेगी. अनामिका शुक्ला इज़ नॉट येट इन द कस्टडी, अभी तक पुलिस कस्टडी में नहीं है वो, और देखते हैं क्या इसके ऊपर क्या डिस्कशन होता है और गवर्नमेंट इस पर क्या डेवलपमेंट देती है या किस तरह के रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ राजस्थान प्लान्स स्पेशल ड्राइव ऑन COVID-19. राजस्थान जो है, राजस्थान गवर्नमेंट COVID-19 पर एक स्पेशल ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रही है, प्लान कर रही है. अकॉर्डिंग टू दैट 10 डेज का कैंपेन लॉन्च किया जाएगा जो कि 21 जून से शुरू किया जाएगा. उसके तहत जो है एक सपोर्ट आंगनवाड़ी वर्कर्स को या ऑक्सिलरी नर्स जो है उनको, या फिर हम कह सकते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जितने भी हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो है, पंचायत ऑफिशियल्स हैं, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अवेयरनेस मटेरियल के लिए और जो बैनर्स और पैम्फलेट्स हैं उन सब के लिए, इन सबको मिला करके डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी. ये 10 दिन का कैंपेन जो है चलाया जाएगा. चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने ट्यूजडे को ये अनाउंस किया है. द पीपल रेजिडिंग इन विलेजेस, हैमलेट्स, वार्ड्स एंड अदर सिटी नेबरहुड्स
would be made aware through various means between June 21st to 30, 21 से 30 जून के बीच में हर गांव तबके और शहर या शहर के आसपास के एरियाज में ढाणी में जहां पर भी लोग रहते हैं उन सबको अवेयर करने के लिए इस तरह की जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्थ एक्टिविस्ट को, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, पंचायत ऑफिशियल्स को, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को और अवेयरनेस मटीरियल के साथ में और काफ़ी सारे बैनर्स और पैम्पलेट के थ्रू इन सभी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए, इन सभी लोगों को यूटिलाइज़ करते हुए ये कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें उन लोगों को अवेयर किया जाएगा COVID-19 से कैसे बचाव करना है और कैसे इससे दूर रहा जाए। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ राजस्थान अपने आप में COVID-19 को हैंडल करने की कंडीशन जो है या COVID-19 को हैंडल करने का जो जो बेसिस है उस बेसिस पर राजस्थान अपने आप में टॉप कर रहा है। ठीक है, कोविड मैनेजमेंट को जो है कोविड मैनेजमेंट की प्लानिंग्स के अंदर राजस्थान इज इन टॉप। द नेक्स्ट न्यूज़ इज हरियाणा एक्साइज टैक्सेशन रेवेन्यू डाउन बाय 24%, बट लेट मी नो यू कोविड सेस मे गार्नर अबाउट 35 crore रुपीज़। ओके, सो हरियाणा के अंदर एक्साइज टैक्सेशन रेवेन्यू इन सभी को जो है इन सभी का जो रेवेन्यू है वो करीब 24% से नीचे जा चुका है और काफ़ी जो अप्रैल और जून के फर्स्ट वीक तक अगर बात करें तो करीब 4,881 करोड़ रुपए जो है अर्थात हम कह सकते हैं 24% तक नीचे जा चुका है। लास्ट ईयर में सबसे जो है हम कह सकते हैं डाउन जो रिकॉर्ड रहा है वो लास्ट 2 months का रहा है एंड पॉसिबली गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बिल्ड अप इट अगेन। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ असम गवर्नमेंट स्लैम्ड फॉर डिसीजन ऑन स्कूल। असम गवर्नमेंट जो है वो जल्दी ही स्कूल्स पर डिसीजन देने जा रही है। उनका ये प्लान है कि 17 schools जो कि बिल्कुल 0% पर पास रिकॉर्ड है जिनका 10th class के एग्जाम्स का, उन्हें क्लोज किया जाएगा। ठीक है, और जो पोस्टिंग एडिक्वेट टीचर्स हैं या हम कह सकते हैं सच अ मूव विल इफेक्ट द ऑलरेडी वीकेंड एजुकेशन सिस्टम, ऐसा कहना है सिस्टम सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी देवन भट्टाचार्य का कि अगर इस तरह का जो हम कह सकते हैं इस तरह का डिसीजन लिया जाता है तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और फोकसिंग का जो वर्क है इस तरह की स्कूल्स का वो किया जाना चाहिए और एडिक्वेट टीचर्स की पोस्टिंग की जानी चाहिए। ये जो है एजुकेशन सिस्टम जो वीक हो चुका है उन एरियाज़ में उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश किया जाएगा। अदरवाइज इफ़ यू आर गोइंग टू क्लोज द स्कूल, इफ़ यू आर गोइंग टू क्लोज द टोटल यू नो वाइंड अप द स्कूल्स, दैन दिस इज़ डेफिनेटली अ रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम। सो कुछ लोगों का ये कहना है जबकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसी स्कूल्स को जो है 17 schools हैं जो 0% दे रही है उन्हें हमें एट प्रेजेंट क्लोज करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि गवर्नमेंट क्या डिसीजंस लेती है, असम गवर्नमेंट के क्या डिसीजन होते हैं और आने वाले टाइम में क्या रिकॉर्ड्स जो है इसके देखने को मिलते हैं। वहीं जो एयर इंडिया जो है उसे और भी फ्लाइट्स वंदे भारत फ्लाइट्स के तहत और भी जो है फ़्लाइट्स को ऑपरेट करना चाहिए और भी ज़्यादा फ्लाइट्स जो है उन्हें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए, ये कहना है स्टेट एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे मिस्टर आदित्य ठाकरे का। उनका ये कहना है कि एयर इंडिया को उनकी ये हिदायत है कि आपको और भी वंदे भारत फ्लाइट्स अरेंज करनी चाहिए जिससे कि जो है फॉरेन में अटके हुए जो भारतीय लोग हैं उन सभी को वापस लाया जा सके। अब ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वंदे भारत अभियान चलाया गया था अभी रिसेंटली जिसके तहत फ़्लाइट्स के थ्रू एयर इंडिया ने एक कैंपेन चलाया था जिसके तहत फ़्लाइट्स के थ्रू जो भी लोग बाहर अटके हुए हैं भारतीय उन सभी को वापस लाने की एक कवायद थी ये, और उसी के चलते ये जो वंदे भारत फ़्लाइट्स है उसे और भी ज़्यादा ऑपरेट किया जाना चाहिए और मुंबई के स्पेशली जो है स्टेट के महाराष्ट्र स्टेट के जो लोग हैं इंडियंस हैं उन्हें वापस लाने की बात कही है आदित्य ठाकरे ने। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज़ BEML's इंटरनल डेटा स्टाफ ईमेल IDs हैक्ड लीक्ड ऑन डार्क वेब। मैं आपको बता देती हूँ इट इज़ ऑल अबाउट डिफेंस एरिया। डिफेंस के अंदर जो लोग हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर कार्य कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे,
जो डिफेंस इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे थे, ऐसे जो स्टाफ हैं उनका डेटा जो है लीक कर दिया गया है, उनकी आईडी जो है उसे हैक कर दी गई है और उसे डार्क वेब पर लीक कर दी गई है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सारी हरकतें जो है साइबर टेररिज्म के थ्रू पाकिस्तान द्वारा की गई है, ठीक है। ऐसा सस्पेक्ट किया गया है कि ये ऐसा कुछ हुआ है, एंड डेफिनेटली इट विल बी डेफिनेटली अ वेरी डेंजरस सीन इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी हैपन, बिकॉज डिफेंस के पर्सनस का या इस तरह के पर्सन जो कि डिफेंस एरिया से रिलेट कर रहे हैं, उनका उनके पर्सन्स का इस तरह का इंटरनल डेटा लीक होना या ईमेल आईडीज़ का हैक होना अपने आप में हमारे सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है। ओके, सो एक क्वेश्चन मार्क जो आपके लिए है आज के होमवर्क के रूप में, वो है BEMLs, इंटरनल डेटा। इट मीन्स BEMLs क्या है उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसा कि आप सभी को बताया, हम डेली बेसिस पे एक टॉपिक ऐसा लेते हैं जिसके बारे में डिस्कस कर किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज अक्यूज्ड इन PMC बैंक फ्रॉड गेट्स बेल्स टू अंडरगो सर्जरी। रिसेंटली जो है PMC बैंक, हम कह सकते हैं पंजाब और महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक जो है, उसके अंदर फ्रॉड केसेस के बेसिस पर मिस्टर मुखी को केस उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था, और उनके ऊपर जो है 2005 से 19 तक ऑडिट कमेटी बिठाई गई थी। वो लास्ट 3 ईयर्स से जो है 3 दिसंबर से जो है कस्टडी में है, और उनका कनेक्शन जो है इस फ्रॉड से माना जा रहा है। जगदीश मुखी जो है 75 ईयर्स के हैं, और इनका जो, क्योंकि इस फ्रॉड बैंक फ्रॉड केस में उनका नाम है, वो अक्यूज है, तो इस बेसिस पर जो है उन्हें बेल दी जाने की डिमांड की जा रही है, क्योंकि उनकी जो है सर्जरी होने वाली है रिसेंटली, तो उसके बेसिस पर दे डिमांडेड टू गेट बेल। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हाई कोर्ट विल गो थ्रू। हाई कोर्ट ने उन्हें 3 मंथ्स का रिलीफ जो है प्रोवाइड किया है, जिसके चलते वो इस पर्टिकुलर सर्जरी को क्रॉस आउट करके अगेन जो है कस्टडी में आ जाएंगे। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़, अभी रिसेंटली सोनू सूद जो है काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पर एक काफ़ी हम कह सकते हैं लाइमलाइटेड स्टार हैं, और काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी लोग फैन फॉलोइंग भी काफ़ी है उनकी। तो उस बेसिस पर बेसिकली हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों है वो अभी, कि उन्होंने बसेस और ट्रेन्स ऑर्गेनाइज की है और लोग माइग्रेंट्स को हेल्प की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, उनकी जो मेन लीडिंग उनकी जो हेल्पर हैं वो है IIM की वुमेन ग्रेजुएट्स, जो कि उनकी हेल्प कर रही है माइग्रेंट्स की, उनको अपने घर पहुंचाने में, और सोनू सूद जो है वो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस ग्रुप ने, IIM के इस वुमेन ग्रेजुएट्स के ग्रुप ने करीब 59 लाख रुपीज़ का जो है फंड कलेक्ट किया है, जिसके थ्रू उन्होंने करीब 1000 लोगों को जो है 25 बसेस के थ्रू अपने अपने घर पहुंचाने का कार्य किया है। और इस तरह की एक्टिविटीज जो है कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स के लिए काफ़ी नीडेड थी, और इस तरह का स्टेप IIM ग्रेजुएट्स, मतलब अब रिसेंट ग्रेजुएट्स या एजुकेटेड यंगस्टर्स द्वारा किया जाना, इट मीन्स वी आर गोइंग इन अ गुड हैंड थ्रू आर यंगस्टर्स। ओके, आने वाला टाइम जिस तरह के यंगस्टर्स जिस तरह की इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसको देखते हुए आने वाला टाइम, आने वाली जनरेशन एक बहुत हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी लेकर आएगी, या आने वाले टाइम में कुछ एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है ना। और इस चीज़ इन सारी चीज़ों में सोनू सूद ने उन्हें हेल्प किया है, जिससे कि सारे माइग्रेंट्स को अपने अपने घर पे पहुंचाया जा सके। इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, और 11 मई से ये कार्य अब तक चल रहा है, अभी तक भी ये टीम लगी हुई है। अलका तिवारी नाम है इनका, ठीक है। ये पूरा कोऑर्डिनेट करते हुए इन सारी चीज़ों को, सारे स्टेट से, होम स्टेट से कोऑर्डिनेट करते हुए लोगों को होम स्टेट पहुंचाने के लिए काम कर रही है, सारे स्टेट से और सारी गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करते हुए ये कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ एडिटोरियल एनालिसिस, द एनाटॉमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म। देखिए, ये जो है अभी जो काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, ब्लैक और वाइट का जो इशू है, जो आज से सालों पहले देखने को मिला था, वो इशू फिर एक बार आकर हमारे सामने खड़ा हो गया है। वर्ल्ड वाइड सपोर्ट मिल रहा है इसे। बेसिकली अभी US में ये कंडीशन हुई थी, US में ये एक्टिविटी हुई थी अमेरिका के अंदर,
जो है एक ब्लैक पर्सन को जो है उनकी मार दिया गया था, बुरी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ये काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है इसके बेसिस पर काफ़ी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिली है ना। सो इस बेसिस पर ये क्रिमिनल सिस्टम है एक तरीके का, और इसको देखते हुए काफ़ी न्यूज़ क्रिएट हो रही है, काफ़ी गवर्नमेंट्स, काफ़ी लोग वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं, और ब्लैक पीपल्स तो पूरी तरीके से इस एग्रेसिव है इस इंसिडेंट्स को लेकर। अब देखना यह है कि कैसे जो है सरकारें जो है कैसे इस ये जो एविल है, एक बुराई है सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में, कि इस तरह की एक्टिविटीज़, ब्लैक एंड वाइट की जो ये एक्टिविटीज़ है उसे कैसे स्टॉप किया जाता है और कैसे इस तरह की एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया जाता है, इस बुराई को, रेसिज्म की जो बुराई है उसे कैसे ख़त्म किया जाता है। ये सारी कंडीशन, इवन ब्लैक पीपल्स का ये कहना है दैट वी कांट ब्रीथ, इस तरह की कंडीशन में हम लोग ब्रीथ भी नहीं कर पाते हैं, और क्यों, बिकॉज़ वी आर ब्लैक। तो ये जो कंडीशन है इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ओनली ब्लैक पीपल्स ही आगे नहीं आए हैं, वाइट पीपल्स भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो ऐसी आइडियोलॉजीज़ में बिलीव करते हैं, वो सभी लोग आगे आए हैं इस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट, एंड ओनली अ पीसफुल एंड सस्टेन मोमेंट कैन ब्रेक द बैक ऑफ दिस एविल एंड विच इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज एंड हिडन। बेसिकली एक बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से एक मोमेंट जो है वही इस चीज़ को रिमूव कर सकता है, इस एविल को रिमूव कर सकता है, बट जो कि अभी हिडन है, अभी भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और हिडन है, तो उसे बाहर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ नेक्स्ट, ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए जो अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल बेसिस पर जो है काफ़ी गरमाया हुआ मुद्दा है और न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस या इसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क भी खड़ा हो सकता है। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो अगर करते हैं तो उसके अंदर भी एंटी ब्लैक रेसिज्म अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक क्रिएट करता है ना। सो वॉट इज़ योर मेंटालिटी, वॉट इज़ योर थिंकिंग अबाउट इट, जस्ट राइट इट ऑन अ पेपर एंड शो इट टू मी ऑन माई ऑन आर टेलीग्राम चैनल, एंड यू कैन गिव इट टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल सो दैट आई कैन रिव्यू योर आंसर, आई कैन टेक अ व्यू ऑफ योर आंसर। ओके, एंड इफ देयर एनी करेक्शन विल बी रिक्वायर्ड देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। ओके, so you should go for it. The next question is, next article is wrong priorities by opening up religious. basically ये जो article है ये carry करता है religious places, जो worship places हैं उनको अभी open करने का जो government का जो decision है उस पर based है। अभी क्योंकि हम basically बहुत ज़्यादा community transmission की risk पर हैं, high risk पर है इंडिया, तो उसको देखते हुए हमारी ये ज़रूरत है, हमारी ये need है कि religious places जितने भी हैं उन्हें open ना किया जाए। तो हमारा जो 2.5 महीने का जो एफर्ट्स है, गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं, उन सबको बिल्कुल ताक पे रख के ये जो डिसीज़न लिया गया सरकार द्वारा रिलीजियस प्लेसेस को ओपन करने का, इससे जो है अभी एट प्रेजेंट होल्ड कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑथर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एडिटर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि अभी एट प्रेजेंट पीक पर हैं, है ना। इंडिया आफ्टर लॉकडाउन पीक पर जा रहा है काफ़ी। देखिए, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए जो डिसीजंस लेने थे वो सब समझ में आता है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करना ज़रूरी था, बिकॉज देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मंद पड़ गई थी, और जो लोगों के अंदर है, लोगों में ट्रांसमिशन भी है, जो उसे रोकने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में उन्हें अप्लाई किया गया। लेकिन रिलीजियस प्लेसेस ऐसी जगह है जहाँ पे आप ना तो कोई इकोनॉमी जनरेट होती है और ना ही ऐसे प्लेसेस जहाँ आप सोशल गैदरिंग को रोक सकते हैं। यहाँ आके सारे सोशल गैदरिंग, हाइजीन और जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल साइड में रख दी जाती है और सिर्फ इमोशंस और सेंटिमेंट्स का खेल होता है यहाँ पे सारा। तो उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार को एट प्रेजेंट, हम लोग इस कंडीशन में नहीं है कि हम लोगों की लाइफ को अफोर्ड कर सकें, क्योंकि अभी अगर हमने ये चीज़ ओपन कर दी, टेंपल्स और ओपन कर दिए, देखिए कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अपनी समझदारी के बेसिस पर ऑटोमेटिकली
जो ये डिसीजंस लेते हैं कि हम अभी टेंपल्स को ओपन नहीं करेंगे, वर्शिप की प्लेसेस को ओपन नहीं करेंगे, लेकिन सरकार द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू जो ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इनको या लोगों को जो है एक सपोर्ट मिल रहा है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का. दे आर सेइंग दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अलाउिंग अस टू डू दिस, सो स्टेट गवर्नमेंट डोंट हैव अथॉरिटी टू स्टॉप अस. तो इस तरह के डिसीजंस नहीं होने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करें और लोगों के अंदर इस तरह की गलतफहमी क्रिएट करें कि उनके पास में अथॉरिटीज़ है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं विद दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, जो कि उनके लिए खुद के लिए एक खतरे की घंटी क्रिएट कर सकता है ना. बट बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई पासिस और डिस्टेंस मार्किंग और पर्सनल जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के साथ में, ये सारी चीज़ों के साथ में जो है काफ़ी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए सरकारों द्वारा बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं. लेकिन एट प्रेजेंट जो है इसे वाइजली कुछ जो स्टेट्स का जो ये डिसीजन है कि हम इसे अभी क्लोज रखेंगे, अभी इट विल बी रिमेन क्लोज, सो इट इज़ अ गुड डिसीजन एंड वी शुड फॉलो. इवन इंडिया जो है इस कंडीशन में आके मास ट्रांसमिशन को अफोर्ड नहीं करता, बिकॉज हम लोग ना तो इकोनॉमिकली इतने साउंड है, ना हम लोगों का इंडिया का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना साउंड है कि वो इस लेवल पे ट्रांसमिशन को जो है अलाउ कर सके, या इतने इस लेवल पे ट्रांसमिशन को हैंडल कर सके, इतने लेवल पे जो है पेशेंट्स को हैंडल. अभी हम बहुत नॉर्मल लेवल पे होते हुए भी केसेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि आप दिल्ली में देख सकते हैं या अन्य काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे केसेस हैंडल ही नहीं हो पा रहे. तो उस कंडीशन में इस तरीके से केसेस कंटिन्यू बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, जिसमें हम खुद को टॉप पर लाने की खुद ही जो है प्रयास कर रहे हैं, खुद ही ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो हमें इस रेस के अंदर टॉप पर लेकर जाएगा. ठीक है, सो वी शुडंट गो थ्रू ऑल दीज एक्टिविटीज. सेंटर को अभी एट प्रेजेंट जो है ये फोकस करना चाहिए कि हमें कैसे जो है ट्रांसमिशन को रोकना है, ना कि ट्रांसमिशन को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए. द नेक्स्ट इज क्रॉसिंग द लाइन. ये जो बात की गई है दिल्ली की बात की गई है. दिल्ली जो है अपने, ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली अपनी फेल्योर्स को छुपाने के लिए हेल्थ केयर को जो है रेजिडेंट्स तक एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वहाँ के लोगों को ये लगे कि नहीं, हमारी सरकार हमारे लिए सोच रही है. तो इस तरह खुद की फेल्योर्स को छुपाने के लिए इस तरह के स्टेप्स जो है दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं लेने चाहिए. एंड उन्हें जो है COVID-19 के लिए जो प्राइवेट या हॉस्पिटल्स हैं, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल हैं, उन सारे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे बिल्कुल इल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ डेली राइट्स को ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सबको नहीं करना चाहिए. सरकार को ये सारी चीज़ों को साइड में रख के और जो पॉजिटिव एक्शंस है, जो चीज़ें सबके लिए जो है इक्वल है, ऐसे डिसीजंस को फॉलो करना चाहिए. एंड आफ्टर द LG's इंटरवेंशन, लेफ्टिनेंट जनरल के इंटरवेंशन के बाद में चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो है रिटायर्ड द आर्ग्यूमेंट एंड प्रीएम्पटिवली सॉर्ट ऑफ टू वॉश देयर हैंड्स बाय ऑफ द वर्सनिंग सिचुएशन. ये जो वर्सनिंग सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, उन्होंने खुद के हाथ को झड़क दिया है ये कहते हुए कि सिचुएशंस आर नॉट अंडर आर कंट्रोल एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैंडल इट प्रॉपरली. एंड इवन अगर सरकार द्वारा इस तरीके से पीछे हट जाएंगे तो डेफिनेटली लोगों की जो उम्मीदें हैं वो किससे होगी, और सरकार अगर पीछे हट जाती है तो लोग किसके भरोसे, आपने सरकार किस भरोसे, उन लोगों ने सरकार को किस भरोसे पे बनाया है. ऑब्वियसली दे वॉन्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देम ओनली, नॉट फॉर देमसेल्व्स ओनली. सो हेयर इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस स्टेटमेंट एंड जो पॉजिटिवली जो वर्क करना चाहिए, पॉजिटिवली जिस तरह के एक्शंस लेने चाहिए सरकार को, वो एक्शंस ना लेकर इस तरह के अजीब से स्टेटमेंट्स देके और जो लाइन को क्रॉस की जा रही है उसे एट प्रेजेंट आपको कंट्रोल में लाना होगा. एंड इफ़ स्टेट गवर्नमेंट शुडंट हैंडल द कंडीशंस और सिचुएशंस, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक द whole procedure in their own hands, okay? And because the government, the Delhi rights are needed, and even all those peoples who are not from Delhi but they're living in Delhi, they need these circumstances or situations, or they want a proper guiding hand or proper hand to handle the situation, okay? So the Delhi government should work on it, and if they are not capable to handle the situation, then the government of center, or I can say Indian government, central government have to take the step towards it.
The next news is being vocal on the right vocal. It is all about आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिस जो कि 12 मई से जो है ऑर्गेनाइज किया अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा. वोकल फॉर लोकल की बात कही गई है यहाँ पे. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट एंड यू हैव टू रीड अबाउट दिस. दिस इज़ अ सिंपल थिंग दैट वी हैव टू यूज़ आर कैपेसिटी. इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी खुद की चॉइस को फोकस करते हुए और अपने विजन को एग्री करते हुए आगे बढ़े और अपने इंडिया को टॉप पर लेकर जाए. तो ये जो है ऑल अबाउट दिस एंड पॉसिबली आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सारी कवर हो चुकी है. और फिर भी आपको कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो सब ले चुके हैं हम. और वर्ल्ड सेक्शन इसलिए नहीं लिया गया बिकॉज वर्ल्ड सेक्शन के अंदर जो है जो न्यूज़ है वो दैट दे आर नॉट दैट वॉज इम्पॉर्टेंट. उसे हमने कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं लाइक LAC एंड नेपाल. ओके सो वी कवर्ड इट ऑल. एंड BEML का जो इंटरनेट डेटा है BEML क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके सो इट वाज ऑल ऑफ टुडे एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. बाय बाय, टेक केयर. कल फिर मिलेंगे एंड सून इट विल बी पॉसिबल एज अर्ली एज पॉसिबल. मैं आपको जो है इसको लेकर न्यूज़पेपर एनालिसिस को लेकर अपडेट कर दूंगी. ओके थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. बाय बाय, टेक केयर. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड.